अदा तुम आज एक बात मुझे खुल के बता दो कि तुम उसे चाहती क्या हो। मैं तो सिर्फ पहले जैसा सहवी चाहती हूँ, जो मेरी तरफ प्यार से देखता था। अब जरा इसी प्यार से पलट कर देखो। आपको पता है मुझे मेरी बेटी मिल गई है। वो डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? ये क्यों फाड़ दिया आपने? बिकॉज टूडे आई ओन माई निकाह। किस बात पे रो रही हो तुम? मैं तो नहीं रो रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो इतनी खुश हूं कि क्या बताऊं आपको। ना बताओ, अब मैं बताता हूं कि करना क्या है। चलो मान लिया कि तुम्हारे दिल में सैवी के लिए कोई जज्बा नहीं है। हाँ, वो तो कभी भी नहीं था। ओके, आई एम कन्विंस्ड। मगर मेरा जमीर इस बात पे आमादा नहीं है कि तुम और सैवी एक ही छत के नीचे रहो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें उसी फ्लैट में शिफ्ट कर दूं जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है या नहीं, यू हैव टू शिफ्ट। मैं तुम्हें यहां सिर्फ फौजिया को चलाने के लिए लाया था, वरना तुम्हें वहीं अलग रखना था। सो मेक अप योर माइंड। वैसे एक बात कहूं मैं आपसे, अगर आप शायर ना भी होते ना, तब भी एक बात नोटिस कर रही हूं, रात से आपका मूड बहुत शायराना है। क्या वजह है? ये तो है क्योंकि कल रात मुझे एक खुशी मिली जो मैंने अभी तक तुमसे शेयर नहीं की। मुझसे शेयर नहीं की? क्यों भला? क्योंकि तुम भी तो मेरी खुशी हो, मेरी सबसे बड़ी खुशी, इसीलिए तुम में आते ही खो गया था। अच्छा जी, बस अब ज्यादा मुझ में खोने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए ना, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि कल पापा ने मुझसे अदा से मुतालिक बात की और मैंने अपनी तरफ से उनके तमाम शक व शुबात दूर कर दी। फिर क्या था, मैं और पापा कल शाम को ऑफिस से साथ वापस आए और अदा साहिबा अपनी पूरी अदाओं के साथ तीर चलाने के लिए तैयार बैठी थी। एक मिनट, मामा का फोन है। जी मामा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे मामा, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें मुझे कॉल कर सकती हैं, ये आपका हक है। तुम जीते रहो। सेवी, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। नाश्ते के बाद तक इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर तुम अभी मेरे कमरे में आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मामा, मैं थोड़ी देर में चेंज करके आता हूँ आपके पास, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मामा का फ़ोन था, बुला रही है मुझे। यकीनन कल रात को जो बात हुई है उस पर पापा का रिएक्शन होगा। एनीवेज मैं चेंज कर लूं। तेरा शुक्र। मामा। सेवी, सेवी मैं बहुत खुश हूँ आज। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मामा, हुआ क्या है, आप क्यों इतना खुश हैं? सेवी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ अपनी बहन को ढूंढोगे, बल्कि तुमने कहा था कि अब से ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी बहन को ढूंढ कर लाओगे।
Of course, Mama, मैंने कहा था। मगर क्या शाजिया के बारे में कोई क्लू मिला है आपको? क्लू नहीं, शाजिया मुझे खुद मिल गई है। What? शाजिया मिल गई है? It's incredible. कहाँ है वो मामा? मुझे भी मेरी बहन से मिलवाएं चलें। उसे मिलने की क्या जरूरत है? तुम तो उसे पहले से जानते हो। सुंदस, सुंदस ही तुम्हारी बहन शाजिया है। जी तो ये समझ में नहीं आता कि आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है? कभी-कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेरे दरमियान कोई सौतेलेपन का रिश्ता है। नहीं, खुदा ना करे कि मेरे और तुम्हारे बीच सौतेलेपन का भी कोई रिश्ता। सुंदस, मैं जानना चाहता हूँ कि सारे जमाने में मुलाजमत करने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था, हत्ता कि तुम नौकर बनने को तैयार हो। बस, that's my choice. तुम्हारी इसी ढिटाई से चढ़कर मैंने तुम्हें फायर किया था, वरना शायद तुम। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अब बताइए ना क्या हुक्म है मेरे लिए? बात कर ली है मैंने मामा से, जाओ जाकर मिल लो तुम मेरी मामा से। मामा से ही तो मिलूंगी जाकर। ऐसा कैसे हो सकता है? शासिया, सुंदस, सुंदस, आपको कोई गलत फहमी हुई, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हें पता है शायद जो भी नुकसान उसकी वजह से हुए मैं उसे कभी डांट नहीं सकी। और उसका जर्फ देखो, अपनी माँ के लिए इस घर में वो नौकरानी बनकर आ गई। अरे मामा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सुंदस को नहीं जानती, वो एक नंबर की चालबाज, मकार और प्लानर किस्म की लड़की। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई। सेवी, याद रखना जो अल्फाज तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो अपनी बहन शाजिया के लिए कर रहे हो। नहीं मामा, मैं नहीं मान सकता कि उस लड़की की कोई चाल है। सेवी, उसका बाप खुद आया था, मेरा एक्स हस्बैंड अकरम खुद उसके साथ आए, और मुझे कभी उस लड़की ने ये नहीं बताया कि वो अकरम की बेटी है। आपने उसका आईडी कार्ड लेके चेक किया था? आपने देखा था कि वो अकरम मोहम्मद खुद था या नहीं? कि कोई फिल्म नहीं चल रही कि कोई भी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा कर आ जाएगा और अकरम बन जाएगा मेरे सामने। सेवी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मामा, बस यही सोच रहा था कि अगर सुंदर सी शाजिया है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बेटा, वो बहुत सहमी हुई है कि तुम उसे अपनी बहन एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर शाजिया वाकई मेरी बहन है तो उसे खुशी से कबूल लूंगा। आदमी कितनी जल्दी अपने औकात भूल जाता है। ऐश मिलते ही आंख देर में खुली। मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करवाने वाले खैरदीन ने भी नहीं जगाया, और न ही किसी कुक ने। इट मीन्स मामा ने उन्हें रोक दिया है मुझे जगाने से। अब देखते हैं कि हुमायूं अली और सेवी का रिएक्शन क्या होता है। सुना है कि तुम मेरी बीवी की बिछड़ी हुई बेटी शाजिया हो। सुना तो मैंने भी यही है अपने बाप को अपनी मामा से कहते हुए। संदर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी और सैवी की सारी बात हुमायूं ने सुन ली। मैं क्या करूँ, वो मुझे घर से कहीं दूर शिफ्ट कर देंगे। प्लीज मेरी मदद करो संदर। मैं ऑफिस का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, फौरन पहुँचो। जो हुक्म सरकार, खुदा हाफिज। हेलो। सुना है कि तुम मेरी बीवी की बिछड़ी हुई बेटी शाजिया हो। सुना तो मैंने भी यही है अपने बाप को अपनी मामा से कहते हुए।
کسی جذباتی آدمی کی آنکھوں پر پٹی باندھنا اور بات ہے اور کسی ایجوکیٹڈ آدمی کو ڈاکیومنٹری پروف دینا دوسری بات ڈاکیومنٹری بھی پروف ہو جائے گی بھرنے والے بھی یہی ہیں اور بچھڑنے والے بھی یہی ہیں یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ بچھڑا کون اور بچھڑوایا کس نے مگر یہ سب بات کی بات ہے فی الحال تم مجھے اکرم احمد کا نمبر بھیجو میں اس سے پروف مانگوں گا کہ تم ہی شازیہ ہو ٹھیک ہے میں سینڈ کر دیتی ہوں بھیجو سندل سندل خیریت وہ سہیب مجھے سندل سے بہت ضروری بات کرنی ہے پلیز ایسی کیا امپورٹنٹ بات جو تم صبح صبح آ گئی ہو میں نے کہا نا ارجنٹ ملنا ہے مجھے تم پلیز مجھے اندر جانے دو ادا سب ٹھیک تو ہے نا تم بہت پریشان لگ رہی ہو ہاں زہیب میں واقعی بہت پریشان ہوں مگر میری پریشانی سے تمہارا یا کسی اور کا کوئی تعلق نہیں میری اور سندل کی فرینڈ شپ اتنی گہری ہو گئی ہے ہمارا یہ پرسنل میٹر ہے پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مجھے اندر جانے دو وہ ابھی بزی ہے کون ہے زہیب سندل میں ادا زہیب اسے اندر آنے دو سندل سندل وہ سم تھنگز رانگ ہاں سندل کچھ گڑبڑ ہے مگر میں تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں سندل سندل میں بہت پریشان ہوں میری اور سہری کی ساری بات ہمایوں نے سن لی میں کیا کروں وہ مجھے اس گھر سے کہیں دور شفٹ کر دیں گے پلیز میری مدد کرو سندر دیکھو میں اس بنگلے سے نکل کے کسی معمولی سے فلیٹ میں شفٹ ہونا نہیں چاہ رہی ہوں میری مدد کرو سندر میں بہت پریشان ہوں دیکھو اس گھر میں مجھے تم سے بہت سپورٹ ہے اور تم پلیز چپ کرو یہاں بیٹھو ایوری تھنگ از اوکے بیٹھو ارے پلیز جسٹ کیپ وائٹ کچھ بھی نہیں ہوا سب ٹھیک ہے اچھا ارے ماما آپ کہاں لے آئی ہیں مجھے آپ سندس کا کمرہ نیچے نہیں ظاہر سی بات ہے مجھے پتا چلے گا کہ میری بیٹی ہے وہ تو میں کیا نوکروں والے پورشن میں چھوڑ دوں گی اسے یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ماما اچھا ایک کام کرتے ہیں اسے سرپرائز کرتے ہیں آپ کہیں چھپ جائیں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکیلے میں مجھے دیکھ کے کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے آ رہی ہے سیوی سر آپ وہ ماما نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا یہ سچ ہے مگر اب آپ کیا کریں گے مجھے اس گھر سے نکال دیں گے یا اپنی ماں کو کوئی اچھی بیٹی لا دیں گے جیسے آپ نے منیزا کو میری ریپلیسمنٹ پہ اپنی سیکرٹری رکھا تھا ارے دیکھو بیٹا جب کچھ اچھا ہو رہا ہو تو نہ برا سنتے ہیں نہ برا بولتے ہیں لیکن ماما انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اسی ڈر کی وجہ سے میں نے انہیں آج تک نہیں بتایا کہ میرے سوتیلے بھائی ہیں سوتیلا نہیں صرف بھائی دیکھو سندس میں نے جو کچھ کیا سب انجانے میں کیا میں ایک باصول بزنس مین تھا مگر ساری زندگی اپنی بہن کے پیار کے لیے ترستا رہا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے تمام گلے شکوے دور کر کے اپنے بھائی کو معاف کر دو اور دیکھو بیٹا سیوی کا اگر برا رویہ رہا تو اس کی سیکرٹری کے ساتھ اپنی بہن شازیہ کے ساتھ تو نہیں نا تم نے مجھے ایک باس کے روپ میں تو دیکھا اب تم مجھے اپنے بھائی کے روپ میں دیکھ میں تمہیں اتنا پیار کروں گا اتنی عزت دوں گا اور اتنا ستاؤں گا نا کہ تم یاد رکھو گی سیوی بھائی میں آ رہا ہوں بھائی کون ہے
तो कोई नया नंबर है? कोई कर्जदार तो फोन नहीं कर रहा? हेलो, हुमायूं अली बात कर रहा हूं मैं। सर सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ऑफिस का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, फौरन पहुंचो। जो हुक्म सरकार। खुदा हाफिज़।